सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? यार हम आ चुके हैं भाई जॉर्जो पुल के अंदर, और भाई यहाँ पे क्या ही गलत सीन थे भाई। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 से 3 स्क्वाड्स आ चुकी थी, और उसके अलावा मैं सोलो खेल रहा था। अब मैं सोलो इसलिए खेल रहा था क्योंकि पैंथर्स हो रहा था, तो मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं होता। और उतरते के साथ ही तुम्हारे भाई को मिल गई M4 द गार्ड गन। भाई अगर गार्ड गन मिल जाती है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई इस गेम में तख्ते पलट देने वाला है। तो भाई अब सीन क्या था ना कि यार इस नूबड़े को स्प्रे बड़ा गंदा लगा मेरा M4 का, लेकिन ये जैसे तैसे करके ना ठिलठिला गया। अब भाई ऊपर ना यहाँ पे फाइटें हो रही हो, और भाई इस बंदे ने नॉक कर दिया था, और तुम्हारे भाई ने ना मतलब इसको नॉक कर दिया। भाई मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तू अकेले अकेले मारेगा, थोड़ा हमें भी थर्ड पार्टी करने दे। तो भाई अभी क्या सीन था ना कि यहाँ पे इस बंदे के 3 बंदे नोक थे, और मैंने उठा करके मार दिया। तो भाई मेरे ना किल ज़ाया हो गए, वैसे मेरे को एक एक करके मारना था सबको, लेकिन खैर कोई मसला नहीं होता। अब इस बंदे को मारते हैं क्योंकि इस बंदे को ही मिले हैं 2 किल। तो अब इतने में ना इसका एक और बंदा आ जाता है, पता ही नहीं है क्या चक्कर है बे। मतलब मैं ऊपर हूँ बे, कहाँ देख रहा है, अजीब ही नमूना बंदर था ये। मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हो तुम भाई, मतलब क्या चाहते हो? तो अब भाई M4 द गार्ड गन के अंदर हमारे पास गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। भाई मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पे ना M4 फेंक कर DP उठा ली जाए। तो तुम्हारा भाई यही करता है, बस थोड़ा सा लंबा करके करता है काम। तुम लोग सीन चेक करते जाओ, मतलब देख रहे हो, मतलब कान को घुमा के पकड़ा भाई। तो अब सीन क्या था ना कि तुम्हारा भाई यहाँ पे लूटता है, ठीक है, और सामने से फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है हमारे लेफ्ट साइड से भाई साहब। तो अब क्या चक्कर था कि यहाँ पर ना हम देखते हैं कोई बंदे की हेयर आती है हमें, और मैं समझता हूँ कि भाई हम पे क्लोजिन हो गया। अब मैं पहले इधर का कवर लेता हूँ फिर उधर का कवर लेता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई कोई साइड से आके पकड़ लेगा। तो भाई ये होते हैं बोर्ड भैया लियोपार्ड नाम के, नहीं मतलब क्या चाहते हो, अजीब बंदे हो भाई, मेरी पहाड़ के रख दिए एक सेकंड के लिए। तो भाई अब सीन क्या है ना, तुम्हारे भाई को हेयर आ चुकी है, और तुम्हारा भाई ना फुल स्वैग के अंदर जा रहा है, और M4 की गोलियां भी मिल गई थी, तो मैंने बोला चलो यार UMP बुड्ढी गन हुई है, इसको फेंक दी जाए भाई। क्योंकि एक ज़माना था भाई ये UMP 9 हुआ करती थी, और ये क्या ही पहलती थी भाई, जोर जोर से पोचिंकी मार देती थी भाई, इतने दूर दूर के रेंज थे इसके। लेकिन अब इसकी गोलियां जो है ना वो 45 SCP की हो गई हैं बुड्ढी, तो ये जोर जोर के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तक भी जाते जाते ना गिर जाती हैं आधी गोली, और एक दो गोली लगती हैं जाकर। तो कोई मसला नहीं होता भाई। दूसरा सीन ये है कि यार यहाँ पर ना तुम्हारे भाई ने लगाया पूरा का पूरा ड्रिंक वगैरह का बूस्ट, और भाई मेरे को वो बंदा दिख गया, और उसको भी शायद से मैं दिख गया होऊंगा। और भाई तुम लोग सीन चेक करना, बस ये सांप बन गया भाई कंटेनर पे, मतलब इसको और कोई जगह नहीं मिली। और भाई देखो दूसरे बंदे ने मेरे को क्या ही दिया, वो तो अच्छा है मैंने बूस्ट मारा हुआ था, वरना मेरे ख्याल से तो मैं तो पता नहीं कब का पिल गया होता भाई। और मस मस करके तुम्हारे भाई की जान बच गई है, मौत को छुके से वापस आ गए। तो अब क्या हुआ यार, मेरा की आवाज़ जो है ना ये थोड़ी सी मतलब आज निकल नहीं रही है सही सही। तो भाई स्कूल के साइड पे आ गए, और यहाँ पर हो रही थी लड़ाई भाई, यहाँ पे ना ड्रॉप भी गिरा हुआ था, और तुम्हारे भाई ने भाई मतलब थर्ड पार्टी करके रख दी इन लोगों की। असल में थर्ड पार्टी तो नहीं हुआ था इन लोगों की ना, मतलब इन्हों की अभी अभी नई नई फाइट ख़त्म हुई थी, और तुम्हारे भाई ने इनके ऊपर जाके कर दिया रश। और देखो बस सीन अब बैकग्राउंड में सॉन्ग चलाएंगे हम, YouTube कॉपीराइट मारेगा। अच्छा भाई, तो भाई अब सीन क्या है ना, मेरी गन के अंदर थोड़े से अटैचमेंट्स का मसला था, अटैचमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी, तो सिर्फ़ एक मैग लगा हुआ था,
और इसलिए थोड़ा सा रिकॉयल आ गया। लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, हमारा स्प्रे काम का हो गया फ़िलहाल, हमने एक नॉक कर दिया, हालांकि दो केड़ी का था भाई। ये जो हुआ है ना इनके साथ भाई, इस बंदे ने ना मेरे को हैकर वेकर डिक्लेयर कर दिया होगा भाई। मतलब तुम लोग सीन देखो अभी भाई, मतलब रो दिया होगा ये बंदा, देख रहे हो, ये रो दिया होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसने जो मेरे को गालियाँ दी होंगी ना भाई, मतलब भर भर के। ओ भाई साहब, मैंने क्या ही मतलब आग लगा दी इन लोगों में। अच्छा, इनके ना दो नोक हो चुके हैं, तो मैं रश कर देता, लेकिन ना मेरी भी नोबड़ा पंती ऐसी है, मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रहा था कि मैं यहीं से पूरा कर दूँ भाई, मैं करीब ही नहीं जाऊँ। तो एक बंदे को हेड तो लग गया, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। मैंने बोला अच्छा भैया, और फिर इन लोगों ने दोबारा स्मोक करा, और भाई साहब गाड़ी लेके निकल लिए ये लोग। तुम लोग देखते जाओ, बस देखते जाओ, अभी गलत सीन देखना क्या होता है भाई। तो अब तुम्हारा भाई ना एंगल चेंज किया ताकि गाड़ी वाड़ी दिख जाए और गाड़ी के ऊपर बंदा दिख जाए। तो भाई साहब इतने उन्होंने गाड़ी अंदर करके निकल लिया भाई। और अगर मेरे पास ये अटैचमेंट्स होती ना भाई, ये बॉट का किल मेरा था। देखो भाई, हम बॉट मार के भी अपनी केडीज बढ़ाते हैं, तो ऐसे बात नहीं है। अब तुम्हारे भाई को गुस्सा तो आ गया, क्योंकि तुम्हारे भाई का ना बॉट का किल चोरी हो गया। और भाई मतलब तुम्हारे भाई ने 6x लगाया AKM के ऊपर और तबाही मचाने निकल लिया भाई। हालांकि तुम्हारे को 6x का स्प्रे दिखेगा नहीं इस गेम में भी, क्योंकि हमने सबको क्लोज रेंज के अंदर पेल दिया भाई। तुम लोग सीन देखो। और भाई जैसे मैं इधर आता हूँ ना, मेरे को गोलियाँ गोलियाँ पड़ती हैं भाई। ओ भाई साहब, मेरी तो हाथ में दे दी इन्होंने। असल में सीन क्या हुआ ना, मैं 2 KD का नोबड़ा हूँ भाई, मतलब मुझे मारो। हाँ भाई हाँ, तो मैंने क्या करा ना, एक गलती करी मैंने, जो कि आप लोगों को एक नसीहत मिल गई होगी इस चीज़ की, कि भाई पहले स्मोक करा जाए उसके बाद अंदर से निकला जाए, जो कि मैंने नहीं किया। हालांकि मेरे को पता है कि ऊपर पहाड़ी पे बंदे हैं भाई, लेकिन हम तो नूबड़े हैं ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। चौड़े चौड़े के अंदर भाई, हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे आ जाओ। तो उस चक्कर के अंदर ना पिलपिलाते हुए बच गया भी, मतलब तो खैर हो गई, कोई मसला नहीं है भाई। देखो किस्तों में आओगे किस्तों में जाओगे, मतलब क्या कर रहा था यार ये बंदा। इसका दूसरा बंदा भी दिख गया, मतलब ये कोई रूल, कोई मतलब बड़े संस्कारी लड़के थे असल में ये। खिड़की से नहीं आएंगे, दरवाजे से आएंगे और दरवाजे से पिलते हुए जाएंगे। मतलब बंदा खिड़की से आ सकता था, अपने बंदे को बचा सकता था, नहीं उसको आना भी अंदर, उसको रिवाइव भी देना है अंदर, लेकिन आएगा दरवाजे से भाई। जी भी बंदे हैं बे। तो अब सीन क्या हुआ ना भाई, तुम्हारा भाई ना यहाँ पर चढ़ जाता है छत पे, और जब छत पे जाता हूँ ना, तो मेरे को फील आता है कि कोई और गाड़ी भी है भाई। अभी लोग, तुम लोग सीन देखना भाई। और इस बंदे को मैं क्या ही नॉक करता हूँ, क्या ही स्प्रे दे रहा था। तो भाई अभी तुम लोगों को ये स्प्रे अगर पसंद आ जाए ना, तो लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना यार। अभी लोग, तुम लोग सीन चेक करते जाओ बस। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कहीं से एंगल बन जाए, कहीं से एंगल बन जाए भाई। तो भाई साहब उन लोगों को ना, मतलब उन्होंने पहले जीप चेंज करी, फिर बाइक चेंज करी, और भाई साहब ये देखो दोनों को हिट हुआ, और ये खून की बारिश हुई थी, लेकिन भाई साहब बच गई है, बच गया, सच्ची बता रहा हूँ बच गया। वरना इसका तो क्रियाक्रम में इधर ही कर देना था। मैंने बोला यार शिट हो गया। चलो एक बंदा तो मैंने उसका खा लिया, और वो इंडियन था, खैर सारे इंडियन और सब भाई हैं यार अपने, तो उसका टेंशन नहीं है यार। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इन लोगों की ना पिंग बड़ी अच्छी आ रही होती है एशिया सर्वर के अंदर, और भाई मेरी 300 आ रही है। तुम लोग सीन चेक करते जाओ बस। तो अब तुम्हारा भाई ना निकल लेता फुल स्विंग में, यहाँ से लुटम लाटी करेंगे और हम निकल लेंगे भाई यहाँ से।
अच्छा तो फिर हम जा रहे होते हैं, बहुत ढूंढता हूँ मैं बंदों को ना भाई, बंदे नहीं मिलते यार। मतलब मैंने बोला यार कंटेंट कोई हाई किल गेम प्ले का बन जाए बन जाए बन जाए, लेकिन भाई नहीं बनता। मैंने बोला भाई कोई मसला नहीं है यार, 11 किल हो चुके हैं, 14 बंदे अलाइव हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। तो वो सामने बंदा दिखता है और इसको तो मैंने क्या ही पेला भाई, क्या ही पेला। और तुम्हारे भाई की ना पिंग अच्छा असल में सही हो गई थी, और जब पिंग सही हो जाती है ना फिर तो तुम्हारा भाई देख रहे हो कैसे पेलता है, मतलब सांस भी नहीं लेने देता। तो अब चक्कर क्या था कि मैंने यहाँ पर नेट खींचा, कुक करके रखा 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 रखा, और भाई फेंक दूंगा अभी, फेंक दे भाई फेंक दे, हो जाता है फट जाता है। मैं समझता हूँ कि यार उसको रिवाइव मिल रहा होगा, मेरे को पीछे से एकदम हेयर आती है। और भाई साहब ये थर्ड पार्टी कर रहे थे, अबे भाई मैं अपने दोस्तों को पार्टी नहीं देता, तू कहाँ से आ गया थर्ड पार्टी वाला भाई। तो अब मैं ना जल्दी से ऊपर जाता हूँ, डरता डरता कि यार कोई बंदा होगा उसको रिवाइव वाला, जो बंदा था रिवाइव वाला वो कहाँ गया यार, वो दूसरे घर में कूद गया, वो मारो मुझे मारो भाई क्या चक्कर है बे। तो वो बंदा ना मुझे सामने वाले घर से हेर आ रही है दबा करके, और 2 बंदे थे ये, पता नहीं क्या नशे कर रहा था, क्या नशे कर रहा था, मैं ही नशे कर रहा था भाई, वो नहीं कर रहा था मैं कर रहा था। हालांकि मैं मार सकता था यार इन लोगों को मजे से, लेकिन भाई तुम लोग सीन देखते जाओ यार, बड़ा ही दुख हुआ मुझे। तो यार अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे 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 जाना मत, अभी तो सीन चेक करते जाओ क्या होगा। और अभी तो तुम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हम मरे तो मरे कैसे, जो कि मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा हो चुका है गेम में। अभी बंदा आया है यहाँ पर, और जोन भी आ गया था, और बड़ा ही कंफ्यूजन था भाई, इसको एक पड़ा छूट गया और उसने नेड कर दिया भाई मतलब। और फिर मैंने बोला यार मैं इसको भी मार देता हूँ, तुम लोग सीन देख रहे हो, मतलब मेरा उस टाइम पे ना हाथ अकड़ गया था पता नहीं क्यों, हालांकि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ भाई, मतलब पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन ना मेरा एम ना अटक गया था पता नहीं क्यों अटक गया था, मुझे नहीं समझ में आया। तो अब हीलिंग जो है ना बड़ी स्पीड में जा रही है भाई, तुम लोग सीन देख रहे हो, क्योंकि जोन वहाँ से टकरा गया है। तो अब मुझे ना वहाँ से निकलना चाहिए, जो कि एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन था, लेकिन मसला ये है ना के भाई साहब जॉन हमारा बेवफा है भाई, एक पल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड साथ दे देगी, लेकिन भाई जॉन नहीं साथ दे सकता भाई, नहीं भाई नहीं, मतलब देख रहे हो इतना करीब आकर पिट गया मैं।